पेटीएम ऐप से लॉगिन कर लिए। यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड बोल के जो लिखे सो आ रहे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपका पैन कार्ड नंबर बता देते है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी बता देते है। तो पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिए है वो डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है बोल के यहाँ पे गलत आ रहा। गाइस देखिए डेट ऑफ बर्थ सही कर लिए तो यहाँ पे देखिए राइट बोल के आ गया। गाइस यहाँ पे देखिए मेरे को 10,000 रुपए लिमिट मिल रहा। गाइस देखिए सक्सेसफुली मेरा। हेलो गाइस, आज जो बताना है पेटीएम पोस्टपेड कैसे रजिस्टर करना। पेटीएम पोस्टपेड रजिस्टर करने के बाद जैसा आप क्रेडिट कार्ड यूज करते क्रेडिट कार्ड के जैसे यूज करना पड़ता। क्रेडिट कार्ड का जैसा बिल बनता 20 दिन का अंदर बिल भरना पड़ता। पेटीएम पोस्टपेड का क्या रहते 1 तारीख को बिल बनता, 7 तारीख के अंदर बिल भरना पड़ता। अब जितना यूज करे उतना ही बिल भरना पड़ता। जैसा बिल आप भर नहीं सके आपको चार्जेस भी पेमेंट करना पड़ता। पेटीएम पोस्टपेड का जितना आप यूज करते उतना ही बिल भरना पड़ता। कुछ भी चार्जेस पेमेंट करने का जरूरत भी नहीं पड़ते। ये वीडियो में बताएंगे पेटीएम पोस्टपेड कैसे रजिस्टर करना। मैं विश्वजीत, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टैक टिप विश्वजीत। पेटीएम पोस्टपेड रजिस्टर करने के बाद क्या क्या आप यूज कर सकते, कहाँ पे आप यूज कर सकते पूरा डिटेल्स बताएंगे। एक के बाद एक स्टेप बताएंगे। पूरा वीडियो देखिए, पूरा लाइव बताएंगे। चलिए शुरू कर रहा हूँ गाइस। पेटीएम ऐप्स पे आ गया। पेटीएम ऐप्स से आने के बाद पेटीएम ऐप्स लॉगिन कर लिए तो कैसे पेटीएम पोस्टपेड रजिस्टर करना आपको बताएंगे। रजिस्टर करने के बाद मेरे को कितना लिमिट मिलता वो भी आप लोगों को लाइव बताएंगे। मैं नीचे आ रहा हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए पेटीएम पोस्टपेड बोल के लिखे सो आ रहे यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड बोल के जो लिखे सो आ रहे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। गाइस देखिए सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाती है। पेज पे आने के बाद पेटीएम ऐप केवाईसी रहे तो पैन कार्ड नंबर बता देते है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी बता देते है। डेट ऑफ बर्थ सही नहीं रहे तो आपको सही कर लेना पड़ता। यहाँ पे देखिए मेरा पेटीएम ऐप केवाईसी करे से है। केवाईसी करे से बोलो तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर तो आ गया। तो पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिए है वो डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है बोल के यहाँ पे गलत आ रहा। फिर नीचे देखिए ईमेल आईडी आ रहे, उन सभी ईमेल आईडी आप दे सकते है। पेटीएम ऐप पे जो ईमेल आईडी से लॉगिन है वो ईमेल आईडी यहाँ पे नीचे बता देता, नहीं तो आपको ईमेल आईडी डालना पड़ता। पैन कार्ड नंबर मेरा राइट बोल के आ गया। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ गलत है, यहाँ पे बता दे रहे डेट ऑफ बर्थ मैं सही कर लेता हूँ। गाइस देखिए डेट ऑफ बर्थ सही कर लिए तो यहाँ पे देखिए राइट बोल के आ गया। उसका नीचे देखिए ईमेल आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। मेरा पेटीएम ऐप्स केवाईसी करे से है, आपका केवाईसी नहीं करे तो आपको पूरा यहाँ पे डालना पड़ता। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा फिलअप कर लिए, पैन कार्ड नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, ईमेल आईडी आ गया। नीचे देखिए एक बॉक्स है राइट रहना। गाइस एकदम नीचे देखिए एक्टिव ना बोल के जो लिखे सारे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। गाइस सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाते है। ये पेज पे आने के बाद को कितना लिमिट मिलता यहाँ पे बता देता। गाइस यहाँ पे देखिए मेरे को 10,000 रुपए लिमिट मिल रहा। मेरा 60 बता देते तो मेरा लिमिट कितना 10,000 रुपए यहाँ पे बता रहे। पेटीएम पोस्टपेड रजिस्टर करने के बाद मेरे को 10,000 रुपए लिमिट आ रहा। 1,000 से 60 तक आपको मिल सकते। गाइस देखिए यहाँ पे लिमिट बता दिए। एक बार चेक करने के बाद नीचे देखिए एक्सेप्ट एंड प्रोसीड बोल के लिखे सारे सिलेक्ट कर रहा हूँ। गाइस सिलेक्ट करने के बाद आपका पैन कार्ड वेरीफाई करते यहाँ पे देखिए पैन कार्ड वेरीफाई कर रहे। वेरीफाई केवाईसी होने के बाद ही यहाँ पे देखिए राइट बोल के आ गया। आधार कार्ड का जो लास्ट 4 नंबर है वो डालना पड़ता। मैं आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। गाइस देखिए मैं आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दिए। उसका नीचे देखिए जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए प्रोसीड बोल के आ रहे, प्रोसीड कर देता हूँ। गाइस देखिए आधार कार्ड जो वेरीफाई कर रहे यहाँ पे। गाइस देखिए आधार कार्ड भी वेरीफाई हो गया। अभी जिसका नाम पे पेटीएम है, पेटीएम में केवाईसी करने के लिए एक सेल्फी होना पड़ता। यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे दिए तो यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करना पड़ता। मैं सेल्फी ले लेता हूँ। मेरे को 10,000 रुपये लिमिट भी मिल गया।
गाइस देखिए सक्सेसफुली मेरा पेटीएम पोस्टपेड मेरा रजिस्टर हो गया। पेटीएम जो पोस्टपेड है मैं रजिस्टर कर लिए, ये मैं यूज भी कर सकते। गाइस देखिए पेटीएम पोस्टपेड में रजिस्टर तो कर लिए, रजिस्टर करने के बाद यूज कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। तो मैं नीचे आ जा रहा हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए पेटीएम पोस्टपेड बोल के जो लिखे सारे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मेरा जो 10,000 रुपया लिमिट मिला यहाँ पे बता दे रहे, 10,000 से मैं 7,000 रुपये मैं यूज भी करा यहाँ पे ये भी बता रहे। उससे बाद मेरा बैलेंस कितना है, 3,000 रुपये बैलेंस है, तो 3,000 रुपये मैं यूज कर सकते, वो भी कैसे यूज करना वो भी बताएंगे। यहाँ पे देखिए वेट टू यूज बोल के जो लिखे सारे यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे बता दे रहे। जैसे होटल पे खाना खा रहे उसका भी पेमेंट कर सकते, जैसे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा है उसको भी पेमेंट कर सकते, जैसा रेंट पेमेंट, जैसा किसको किराया देना क्या है वो भी डाल सकते। उससे बाद देखिए ट्यूशन फीस भी यहाँ से जमा कर सकते, यहाँ पे फ्लाइट का टिकट बुकिंग कर सकते, ट्रेन का टिकट बुक कर सकते, बस का टिकट बुक कर सकते, जो जो पेमेंट आप करना चाह रहे वो पेमेंट यहाँ से कर सकते। यहाँ पे जो जो सर्विस दिए से यहाँ से थोड़ा चीज पेमेंट नहीं कर सकते, कौन सा पेमेंट नहीं कर सकते क्लिक करके पेमेंट करते आपको मालूम पड़ जाता। जैसे क्रेडिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड जैसे यूज करते पेटीएम पोस्टपेड भी ऐसे यूज कर सकते। ये वीडियो में पूरा जानकारी दिए पेटीएम पोस्टपेड कैसे रजिस्टर करना, पेटीएम पोस्टपेड से क्या क्या यूज कर सकते ये भी बताया। पेट्रोल पंप पे यूज तो कर सकते, मैं यूज करके देख लिए। होटल पे भी यूज कर सकते, वो भी मैं देख लिए। ट्यूशन फीस को भी पेमेंट कर सकते, उसमें चार्जेस लगता। रेंट पेमेंट भी आप कर सकते, उसमें चार्जेस लगता। पूरा डिटेल्स आपको जानकारी दिए पेटीएम पोस्टपेड कैसे रजिस्टर करना, पेटीएम पोस्टपेड से क्या क्या आप यूज कर सकते पूरा लाइव बताया। गाइस पूरा वीडियो में बताया पेटीएम पोस्टपेड कैसे रजिस्टर करना, कैसे यूज करना, एक के बाद एक स्टेप बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, कोई सवाल रहे तो कमेंट करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय, टेक केयर।